हेलो नमस्कार इंडियन फुटबॉल फैंस, स्वागत है आपका फुटबॉल इन बट पे। और आज हम बात करने वाले हैं AFC कप 2020 के बारे में और जानेंगे सभी कुछ कि कैसे जो टीमें हैं वो कैसे मशक्कत करके फाइनल्स तक खेलेंगी। इसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इसकी जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं, इस कप में टोटल 5 जोन्स हैं और उन 5 जोन्स में टोटल 36 टीमें जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं और वो 9 ग्रुप्स में डिवाइडेड होंगे, जिसमें से 3 ग्रुप जो रहेंगे वो रहेंगे आपको वेस्ट एशिया जोन के और 3 ग्रुप्स रहेंगे एशियन जोन के और 1 ग्रुप रहेगा सेंट्रल जोन का, 1 ग्रुप रहेगा साउथ जोन का और 1 ग्रुप रहेगा ईस्ट जोन का। तो चलिए एक एक करके जो टीम्स है उनको देख लेते हैं। तो वेस्ट एशियन जोन से जो टीमें हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, ये 7 टीमें जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं इस बार। उसके बाद सेंट्रल एशिया में 3 टीमें हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो दोस्तों ईस्ट जोन में जो पार्टिसिपेट कर रही हैं टीम वो हरे निशान में है, आप जो लाल निशान में है वो इस बार पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। तो 4 टीमें हैं वही सिर्फ पार्टिसिपेट कर रही हैं, पहली तीसरी चौथी और छठी ईस्ट एशिया जोन से। उसके बाद चलिए देख लेते हैं साउथ एशिया जोन, जो कि हमारा जोन है जिसमें खेलेंगे इंडिया भी खेल रही है, और टोटल 5 टीमें जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं इस बार AFC 2020 में, जिसमें से नेपाल नहीं खेल रहा साउथ एशिया जोन से। और ये रही एशियन जोन की लिस्ट, टोटल 9 टीमें जो हैं वो खेलेंगी AFC कप के लिए। तो ये जो आपके सामने अभी आप देख रहे हैं ये है ग्रुप स्टेज का दृश्य। ये ग्रुप स्टेज विभाजित किया गया है, उसमें कौन कौन सी टीमें हैं वो कुछ इस तरीके से है। और आप जैसे कि देख सकते हैं कि वेस्ट जोन से 3 ग्रुप है और एशियन जोन से भी 3 ग्रुप है, और बाकी जो 3 ग्रुप बचे हैं वो हर एक 3 जोन से एक एक ग्रुप है। तो AFC कप के नियमों के हिसाब से वेस्ट जोन का जो विनर है वो फाइनल पे पहुंचेगा, और वेस्ट जोन को छोड़ के जितने भी जोन है उन सारे जोनों का जो विनर है वो पहुंचेगा फाइनल पे, और उन दोनों के बीच होगी भिड़ंत AFC कप के विनर के लिए। तो कुछ ही देर में आपको हम बताने वाले हैं कि किस तरीके से हर एक टीम जो है वो भिड़ेगी फाइनल तक का सफर तय करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जो क्वालिफिकेशन होने वाली है वो 4 भागों में बांटी गई है, और जो पहला भाग है जिसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी स्टेज, उसके बाद आता है प्लेऑफ स्टेज, फिर आता है ग्रुप स्टेज, उसके बाद आता है नॉकआउट स्टेज। तो चलिए एक टेबल की मदद से इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं जो हर एक एरो जो है वो एक टीम को रिप्रेजेंट कर रही है, जो हरे कलर में है वो एक विजेता टीम को दर्शा रही है जो कि नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई हो रहा है। लाल कलर की जो एरो है हारी हुई टीम को दर्शा रही है वो उस राउंड से बाहर हो जाएगा, वो अगले राउंड के लिए नहीं क्वालिफाई करेगा। तो राउंड 1 जो होने वाला है वो सिर्फ साउथ एशिया की जो टीम है वो खेलेगी, 2 टीमों के बीच भिड़ंत होगी, उसमें से एक जो है वो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करेगा। और जो राउंड 2 होने वाला है वो सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, ईस्टर्न एशिया तीनों ही जोन्स में होगा, जिसमें से सेंट्रल एशिया में 2 टीम भिड़ेगी, 1 टीम जीतेगी और प्लेऑफ की तरफ जाएगी। साउथ एशिया में 4 टीमें भिड़ेंगी और 2 टीम जो है वो प्लेऑफ की तरफ जाएंगी, और ईस्ट एशिया में भी 2 टीम है जो कि भिड़ेंगी और 1 टीम जो है वो प्लेऑफ की तरफ बढ़ेगी आगे। तो प्लेऑफ में सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और ईस्टर्न एशिया तीनों ही जो जोन है उनमें एक दो दो टीमें हैं, और जो भी टीम जीतेगी वो पहुंचेगी ग्रुप स्टेज पे। तो देख लेते हैं ग्रुप स्टेज में क्या होने वाला है। तो ग्रुप स्टेज में ऐसा होगा कि सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्टर्न एशिया हर एक जोन से एक एक ग्रुप बने हुए हैं, और उस ग्रुप का जो विनर होगा वो पहुंचेगा इंटर जोन स्टेज पे, जो कि आ जाता है आपका नॉकआउट स्टेज। राउंड 1 राउंड 2 जो थे वो प्रिलिमिनरी स्टेज थे, उसके बाद आपका आता है प्लेऑफ स्टेज, उसके बाद आता है आपका ग्रुप स्टेज, उसके बाद आते हैं नॉकआउट स्टेज जिसमें आता है इंटर जोन स्टेज, और बाद आता है फाइनल। तो आपको एक बार बता देते हैं कि जो ये मैचेस जो होंगी वो एक मैच नहीं होंगी,
जितने भी मैचेस है फ्रॉम राउंड वन टू ग्रुप स्टेज एंड टू इंटर जोन स्टेज, वो अपने होम और एक अवे में भिड़ेंगी, और जो भी टीम उसमें से विनर होगा वो पहुंचेगा नेक्स्ट राउंड के लिए। ये हर एक स्टेज में लागू होता है। तो उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि ग्रुप स्टेज में भी जो सबसे ज़्यादा पॉइंट हासिल किया हुआ रहेगा वो पहुंचेगा इंटर जोन स्टेज में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्रुप स्टेज के बाद ग्रुप स्टेज में जो तीन जीते हुए टीम है और प्लस एशियन से जो जीत के आएगी एक टीम, ये चार टीमों के बीच इंटर जोन स्टेज खेला जाएगा। और जो पहला जो टोटल चार टीमें भिड़ेंगी, जिसमें से सेंट्रल एशिया के जो विजेता है और साउथ एशिया के विजेता हैं, वो दोनों टीम खेलेंगे मैच, और ईस्टर्न एशिया के जो विनर है और एशियन के जो विनर है, वो दो टीमें खेलेंगी एक मैच, और उन दोनों के बीच का जो विनर होगा वो खेलेगा इंटर जोन का फाइनल। इंटर जोन का फाइनल का जो विनर होगा वो पहुंचेगा फाइनल पे। तो ध्यान से देखिएगा, इस टेबल को समझने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे जो टीमें हैं वो आगे बढ़ रही हैं। और आपको अगर कुछ भी सवाल हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, तो कमेंट डाउन जरूर करिएगा। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं कि वेस्ट एशिया और एशियन जोन्स में किस तरीके से टीमें जो हैं वो आपस में मशक्कत करने वाली हैं। तो प्लेऑफ्स की बात कर लें तो वेस्ट एशिया में दो टीमें जो हैं वो खेलेंगी, जिसमें से जो विनर है वो ग्रुप स्टेज में पहुंचेगा। एशियन जोन में जो है वो टोटल छह टीमें खेलेंगी और तीन टीम जो है वो पहुंचेंगी ग्रुप स्टेज के लिए। तो ग्रुप स्टेज में जो तीन ग्रुप डिवाइड हुए हैं, तो चलिए बात करते हैं वेस्ट एशिया में। वेस्ट एशिया के लिए जो तीन ग्रुप्स डिवाइडेड है, तीन टेबल टॉपर जो हैं वो जोन फाइनल की तरफ पहुंचेंगे, और उसके साथ ही जो सेकेंड बेस्ट टॉपर है पूरे ग्रुप में वो पहुंचेगा जोन फाइनल में। टोटल चार टीमें होंगी जोन फाइनल में वेस्ट एशिया के लिए। और उसके साथ ही दोस्तों, एशियन का जो ग्रुप स्टेज है वो भी कुछ इस तरीके से होगा। तीन टेबल टॉपर्स होंगे वो जोन फाइनल के लिए जाएंगे, और उसके बाद जो सेकंड बेस्ट होगा पूरे ग्रुप में वो खेलेगा जोन फाइनल में। टोटल चार टीमें होंगी। तो वेस्ट एशिया के लिए जो जोन फाइनल खेला जाएगा, तो वेस्ट एशिया के लिए जोन फाइनल का जो विनर है वो पहुंचेगा डायरेक्टली फाइनल्स की तरफ। और तो एशियन के लिए जो जोन फाइनल का जो विनर होगा, जो टेबल टॉपर होगा, वो जाएगा इंटर जोन का मैच खेलने के लिए ईस्टर्न एशिया के साथ, जैसा कि हमने बताया था। और फिर फाइनली जो है वो फाइनल्स जो खेले जाएंगे, वे वेस्ट एशिया जोन के विनर और इंटर जोन के विनर के बीच खेले जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से जो 36 टीमें हैं वो मशक्कत करने वाली हैं AFC कप 2020 में। और इसी के साथ दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी सवाल है, आपको जो नियम बताए गए या फिर अगर आपको जो टीमें कैसे पहुंच रही हैं आपको समझ नहीं आया है, कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो कमेंट जरूर करिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, इसी तरीके से फुटबॉल की न्यूज़ के साथ बने रहें तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो आपको हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा।